हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रियलमी के स्मार्टफोन के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है कि रियलमी जो है उन्होंने 6 लॉन्च किया, फिर 7 किया और ऑलमोस्ट 6 to 7 मंथ्स हो गए और रियलमी का 8 सीरीज जो स्मार्टफोन है वो लॉन्च करने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग वही चीज़ जानने वाले हैं, क्या क्या स्पेसिफिकेशन इन लोगों ने रिवील की है, लॉन्च डेट क्या होने वाला है और क्या कुछ ऑफर्स इन लोगों ने इसके साथ जो है वो लॉन्च किए, सारा चीज़ के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए ज्यादा समय नहीं गवाते और फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं फ्लिपकार्ट की साइट पे आ गया हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सामने दिखाई देगा रियलमी 8 और 8 प्रो लिखा हुआ है और 108 मेगापिक्सल का कैप्चर इन्फिनिटी करके लिखा हुआ है। तो ये जो है वो सबसे बड़ा मेगापिक्सल का कैमरा इसके अंदर रहने वाला है, जो कि है 108 मेगापिक्सल का कैमरा है। तो ये जो मेगापिक्सल इन लोग ने अचीव किया है ये इन्होंने खुद बताया हुआ है, जो कि आप अभी स्क्रीन पे ऊपर देख सकते हैं। इन लोग ने पिक्सल बिनिंग का जो है टेक्नोलॉजी यूज़ किया हुआ है। अगर आपको नहीं पता है पिक्सल बिनिंग क्या होता है, तो क्या होता है कि बहुत सारे जो पिक्सल है वो मिला के जो है वो अपने को डिस्प्ले दिखता है। तो अगर आपको हायर पिक्सल रहेगा तो आपको जो पिक्चर में क्लियरिटी जो है वो ज़्यादा दिख जाएगी। मतलब 9 पिक्सल्स को इन लोग ने एक साथ इकट्ठा किया हुआ है, क्योंकि ये पिक्सल्स अगर पास में रहेंगे बहुत तो जब आप जूम करोगे कोई भी फोटो को तो उसमें जो ग्रेन्स आते हैं या ब्लरीनेस होता है वो नहीं होगा, क्योंकि इसका मेगा पिक्सल ज़्यादा है। पर ये सेंसर साइज पर भी डिपेंड करता है। आपको जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है बहुत सारे मेरे प्रीवियस वीडियोस में कि कैमरा की जो पोजीशन रहती है स्मार्टफोन की, उसमें इतना स्पेस नहीं रहता है जो कि आपका जो सेंसर है कैमरा का वो इतना बड़ा डाल दिया जाए, क्योंकि जो DSLR होते हैं उसमें आप देख सकते हो कितना बड़ा साइज रहता है। तो वहाँ पे आपको अच्छा जगह मिल जाता है वो सेंसर्स को प्लेस करने के लिए, पर यहाँ पे इतना जगह नहीं रहता है। तो इसके लिए वजह से ये लोग क्या करते हैं, हायर मेगापिक्सल को अचीव करने के लिए छोटी स्पेस में उसको क्रैम करके डाल देते हैं, और क्रैम करके डालने के लिए उन लोग को पिक्सल बिनिंग टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ करना पड़ता है। तो वही सेम टेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो ये लॉन्च होने वाला है 24 मार्च 2021 को 7:30 PM को होने वाला है। कोशिश करूंगा मैं लाइव स्ट्रीम को कवर करूं, पर मैंने प्रीवियस लाइव स्ट्रीम जब किया था आसूस का ROG फोन 5 का, तो मेरे को थोड़ा सा इश्यूज आ गया था, मतलब कॉपीराइट वगैरह का। तो कोशिश हम लोग ये करेंगे कि मैं ये लाइव स्ट्रीम्स देख लूँगा और इसमें से जो भी मेरा ऑब्जर्वेशन है, जो भी मेरा ओपिनियन है और या फिर सजेशन है, वो मैं डेफिनेटली लेके आ जाऊँगा। नेक्स्ट जानते हैं और क्या इसके अंदर मेंशनड है। और इसके अंदर जो मेंशनड है वो है इसके डिज़ाइन के बारे में। हालांकि इसके प्रोसेसर के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन जो है वो फ्लिपकार्ट पे मेंशन नहीं किया हुआ है, मतलब रियलमी ने टीज नहीं किया हुआ है। अभी डायरेक्टली हमको कैमरा का जो इन्फॉर्मेशन है वो देने के बाद में हम लोग को डायरेक्ट डिज़ाइन के बारे में बताया हुआ है, जो कि अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसका जो बैक रहने वाला है ये हालांकि प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट जो होता है वही रहता है, पर इसके अंदर आप देख सकते हो कुछ AG क्रिस्टल प्रोसेस जो है वो किया हुआ है। इसकी वजह से आपको जो डिज़ाइन है वो कुछ ऐसा दिखने वाला है और सुपर स्लिम एंड लाइट हो गया है इसकी वजह से ये स्मार्टफोन, जो कि आप अभी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पे देखो रियलमी 6 प्रो, रियलमी 7 प्रो और रियलमी 8 प्रो तीनों का जो वेट है और तीनों का जो साइज़ है MM में बताया हुआ है, आप देख सकते हो। सबसे थिन जो है वो आपको रियलमी 8 मिल रहा है और सबसे लाइट वेट भी इन लोगों ने किया हुआ है। जैसे आप देख सकते हो 6 जो है वो 95 ग्राम का था और 8 जो है 176 ग्राम का हो गया है, और वैसे उसका थिकनेस अगर देखोगे तो 8.9 से 8.1 mm जो है वो थिकनेस हो गया है, तो काफ़ी अच्छा है। तो यही सारी चीज़ें जो है यहाँ पे मेंशनड है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसके साथ में आपको कुछ ऑफर्स भी मिलने वाले हैं। तो इन लोगों ने
उन्होंने ऐसे कहा है कि अगर आप प्री बुक करते हो, इन लोगों ने एक इन्फिनिटी सेल करके लॉन्च किया हुआ है, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो है 15th of March, तो ये वीडियो शायद मैं कल डाल दूंगा 16th of March को। तो ये 15th of March से 22nd March तक, जो कि अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये सेल होने वाला है। तो ये सेल में बेसिकली क्या है, आपको प्री ऑर्डर जो है वो करना है, मतलब आपको 1080 जो है वो अमाउंट जो है वो भर के फ्लिपकार्ट से जो है वो गिफ्ट कार्ड जो है वो परचेस करना है, और प्री ऑर्डर आपका जो है वो स्मार्टफोन हो जाएगा। उसके बाद में अगर आप ये प्रोसेस से अगर स्मार्टफोन को प्री ऑर्डर करते हो, तो आपको जो है 10 दिन के बाद, मतलब जब आपका डिलीवरी हो जाएगा आपका स्मार्टफोन Realme 8 या फिर 8 Pro, उसके 10 दिन के बाद में आपको वो लोग एक कूपन कोड दे देंगे, ताकि आप वापस फ्लिपकार्ट पे जाके ये Realme Buds Air Neo जो है वो परचेस कर पाएंगे। और वो जब आप कूपन कोड उसके अंदर डालोगे, तो आपको जो है वो 50% डिस्काउंट में Realme Buds Neo मिलने वाला है, जो कि अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। मतलब उसका जो प्राइस है डिस्काउंट के बाद में वो 1499 का होने वाला है, मतलब 1499। तो अगर आपको ये ट्रू वायरलेस ईयरबड्स भी चाहिए इसके साथ में, तो डेफिनेटली ये जो सेल चल रहा है इसमें आप रजिस्टर करके 1080 जो है वो पेमेंट करके गिफ्ट कार्ड ले लेना, तो आपका प्री ऑर्डर हो जाएगा। और फिर जब आप इसका लॉन्च इवेंट रहेगा 24th को, जैसे मैंने बताया, तभी आप फ्लिपकार्ट पे जाना, इसको परचेस कर लेना। परचेस करने के बाद में कोई भी हो सकता है, Realme 8 हो या Realme 8 Pro हो, कोई भी फ़ोन आपको पसंद आता है वो परचेस कर लेना। उसके बाद में जब आपका डिलीवरी हो जाएगा, उसके 10 दिन के बाद में आपको ईमेल पे कोड आ जाएगा, और फिर वो रिडीम करके आप जो है वो ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स 1500 मतलब 1499 में बाय कर पाओगे। तो ये एक अच्छा ऑफर है। ऑल्सो कुछ कॉन्टेस्ट पे Realme कम्युनिटी में रन हो रहा है, तो उसके बारे में डिटेल जो है वो मैंने सारे सोशल मीडिया हैंडल्स नीचे मेंशनड है, वहाँ पे मैंने डाल दिया है, तो ज़रूर चेकआउट करना, और वहाँ पे भी मेरे को फॉलो और सब्सक्राइब करके रख देना, ताकि जो भी ऐसे ऑफर्स आते हैं या फिर ऐसे डील्स आते हैं तो वहाँ पे मैं शेयर करते रहता हूँ, वो आप मिस ना करें। उसमें भी आपको काफ़ी सारे गिफ्ट्स वगैरह है, कुछ गुडीज़ जो है वो भी मिलने वाली है, तो ज़रूर मेरे वो सोशल मीडिया हैंडल्स है, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर वगैरह है, वहाँ पे मेरे को फॉलो कर देना। आज ही जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उसी दिन मैंने उसके ऊपर शेयर किया हुआ है। तो ये ऑफर जो है लिमिटेड टाइम के लिए रहने वाले हैं, जैसे अभी ये वाला सेल 22nd March तक है, तो वो भी लिमिटेड टाइम के लिए रहने वाला है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है वैसे सब ऑफर्स में, तो ज़रूर फॉलो कर देना। ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, अगर नहीं पसंद है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, पर वीडियो देख रहे हो तो कुछ ना कुछ ज़रूर करके जाना। ऑल्सो कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या इसका एक्सपेक्टेड प्राइस हो सकता है, क्या आपको लगता है इसका प्राइस होगा, और क्या प्रोसेसर के साथ आने वाला है। र्यूमर्स की बात करें या लीक्स की बात करें, Realme 8 Pro जो है वो आने वाला है 4500 mAh बैटरी के साथ में, और इसके अंदर शायद आपको 65W का फास्ट चार्जर मिल सकता है। इसका जो लोअर वेरियंट है, मतलब Realme 8 Pro वाला नहीं, सिर्फ 8 वाला जो वेरियंट रहेगा, इसके अंदर आपको 30W का फास्ट चार्जर मिल सकता है, और इसका जो बैटरी का कैपेसिटी है वो 5000 mAh की हो सकती है। ऑल्सो और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका जो प्रोसेसर है और डिस्प्ले साइज है वो भी थोड़ा सा लीक एंड रूमर्स में आ गया है, मतलब Realme 8 का, Pro का तो नहीं आया पर 8 का आया हुआ है, तो उसमें ऐसे पता चल रहा है कि ये AMOLED डिस्प्ले के साथ आने वाला है, और जो डिस्प्ले का साइज होने वाला है वो होने वाला है 6.4 इंच का। ऑल्सो इसका जो प्रोसेसर है वो होने वाला है MediaTek का G95 प्रोसेसर, तो देखते हैं जब ये लॉन्च होगा तब पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। अगर G95 के साथ होता है तो फिर ये थोड़ा बहुत आपको गेमिंग भी अच्छी खासी करवा देगा। और ऑल्सो और एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इसका जो कैमरा है Realme 8 का, वो शायद 64MP का मेन कैमरा हो सकता है। अभी ये कंफर्म नहीं है क्योंकि Realme ने ये कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है, उनके वेबसाइट पे भी नहीं मेंशन किया है, और Flipkart है वहाँ पे भी मेंशन नहीं किया हुआ है, तो ये सिर्फ लीक्स एंड र्यूमर्स है। कोई कोई वेबसाइट्स पे यहाँ पे ये जो लीक्स है वो आ गए हैं, तो जब एक्चुअल में लॉन्च होगा 24th को, तभी एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि क्या क्या फीचर्स के साथ ये आने वाला है। ऑल्सो मेरे सारे कम्युनिटी पोस्ट और सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो कर देना, वहाँ पे मैं बेस्ट बाय लिंक्स भी दे दूंगा, ये वीडियो के नीचे भी बेस्ट बाय लिंक दे दूंगा। तो अगर आप ये फ़ोन बाय करना चाहते हो और या फिर ये प्री ऑर्डर करना चाहते हो, तो लिंक मेंशन है, वहाँ से क्लिक करके इसको बाय करना, ताकि चैनल को हेल्प होगा ग्रो करने के लिए। ऑल्सो अगर ये स्मार्टफोन आप लेना नहीं चाहते और कुछ लेना चाहते हो कोई भी वेबसाइट से, जैसे Amazon, Flipkart, Mamaearth, Wow Skin Care, तो सबके लिंक जो है वो मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन में मेंशन करते रहता हूँ, तो आपको कुछ भी बाय करना है तो मेरे लिंक से ही बाय करने की कोशिश करना, ताकि क्या होगा
चैनल को हेल्प होगा ग्रो करने के लिए। ऑल्सो आउट ऑफ द बॉक्स ये दोनों स्मार्टफोन जो है वो एंड्रॉयड 11 के साथ आने वाले हैं, तो आपको कोई भी अपडेट्स का इसमें टेंशन नहीं होने वाला है। होप करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपको अगले और एक्साइटिंग वीडियोज़ में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।